यहाँ पे हम नहा धो के तैयार हो गए हैं, अब जा रहे हैं दर्शन के लिए। कितना बज रहा है? 8 बज रहा है, शायद 8 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं नहाने। यहाँ पे सोनू कपड़ा पहन रहा है, अभी दिखा सकते हैं। सोनू यहाँ पे कपड़ा पहन रहा है, यहाँ पूजा है और अभी दर्शन करके, दर्शन की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लगी है, बहुत ज़्यादा लंबा है। और यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा है, रोप वे भी है। अभी हम लोग लो जाएंगे भैरवनाथ, यहाँ पे सामने रोप वे से। हाय गाइस, सो हम लोग दर्शन, बेटा प्यारा की, तो हम लोग ने दर्शन कर लिया है और अभी हम लोग भैरवनाथ की दर्शन के लिए जा रहे हैं। मे बी इफ पॉसिबल हम लोग रोप वे के थ्रू जाएंगे, लेकिन के लिए लाइन काफी लंबी लगी हुई है। हम रोपवे से ही जाएंगे, कुछ नाश्ता भी करेंगे, अभी तक कुछ खाया नहीं हमने। 11:30 हो रहे हैं, 11:30 हो रहे हैं, हम आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। यहाँ पे मम्मी है, इवन इन द एंड ऑफ सितंबर आप मौसम देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा है काफी अच्छा। लेकिन हाँ, अगर रात को यहाँ रुकते हैं आप तो प्लीज अपने पास गर्म कपड़े जरूर रखें, क्योंकि काफी ठंड रहती है, क्योंकि हवा दोनों तरफ से आता है। और अगर ठंड कपड़े ना रहे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अभी तो थोड़ी धूप हो रही है तो काफी अच्छा लग रहा है। आप व्यू देख लीजिए, यहाँ का सजावट काफी खूबसूरत। वापस जा रहे हैं, नहीं नहीं वापस नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी दर्शन करने भैरव घाटी। उसके बाद आपको दिखाते हैं हम लोग, इतना ब्यूटी, इतना ब्यूटी, मतलब मस्त एकदम। यहाँ पे मम्मी पापा आ रहे हैं, यहाँ पापा और सोनू है, हम लोग जा रहे हैं। रोपवे के लिए लाइन लगा ली है और बहुत ही लंबी लाइन थी, पर थोड़ा सा आ गया हम लोग थोड़ा जल्दी और अभी जा रहे हैं टिकट के लिए। फिर हम लोग रोपवे पकड़ के सीधे जाएंगे भैरव घाटी, उसके बाद शायद वापस नहीं आएंगे हम लोग उससे, उधर से रास्ता एक और है बहुत अच्छा है, उधर से हम लोग हमेशा वापस आते हैं, तो वहीं से वापस जाएंगे। जिसमें से आना और जाना दोनों है, वैष्णो देवी टू भैरव घाटी और भैरव घाटी टू वैष्णो देवी। और केवल दो केवल हैं, और एक आने के लिए एक जाने के लिए, इसमें काफ़ी भीड़ है। लेकिन ठीक है, जो नहीं जा सकते क्योंकि भैरव की चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, काफ़ी लोग उसकी काफ़ी इंसाइन है और काफ़ी ऊँची चढ़ाई है। तो ये अभी 2-3 साल पहले ही रोप वे चला है, 2-3-4 साल पहले, आप देख सकते हैं, हैव अ लुक। हाँ, अगर आप नेचर का थोड़ा पूरा व्यू लेना चाहते तो रोप वे से जरूर जाए, आप तो बाई वॉक तो आप जाते ही। सो हम लोग रोप वे में बैठने जा रहे हैं, बस उसके लिए भी रोप वे आएगा, फिर हम लोग रोप वे से जाएंगे यहाँ से। हाँ, एक जा रही है अभी, फिर एक वापस आएगी, फिर वहाँ से हम लोग बैठेंगे। तो गाइस, हम लोग रोपवे से ऊपर आ गए हैं भैरव घाटी और यहाँ पे हम लोग जाके अभी दर्शन करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत बहुत ज़्यादा ही रश था रोपवे के लिए, फिर अभी हम लोग दर्शन कर प्रसाद लेके दर्शन करेंगे। फिर भैरव घाटी के लिए प्रसाद की लाइन है जो कि बहुत ही लंबी है, क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स भीड़ हो रहा है, बहुत भीड़ है जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसे यहाँ प्रसाद है और यहाँ हम लोग भैरव घाटी का, भैरव बाबा की दर्शन के लिए जा रहे हैं। सो हम लोग का दर्शन हो गया भैरव घाटी का और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे और यहाँ पे हम लोग का प्रसाद बहुत ज़्यादा ही, सबका हालत एकदम खराब है। और अभी हम लोग सांझी छत थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। ये देखिए, आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं, पर
वहाँ पे एक हिरन है वहाँ पे, और हम लोग नीचे उतर रहे हैं। व्यू बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, थक चुके हैं एकदम। तो हम लोग फाइनली सांझी छत आ गए हैं, और यहाँ पे व्यू मतलब बहुत सुंदर होता ही है, हर जगह का व्यू ये और भी सुंदर लगता है। हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम टेस्ट कर रहे हैं आप दोनों। हेलो गाइस, सो हम लोग अर्धकुमारी आ गए, और मेरे फ़ोन का बैटरी 5% ही बचा है, तो शायद इसके बाद हम कुछ कैप्चर ना कर पाएँ, और मे भी कर भी सकें पापा मेरे मोबाइल से। और यहाँ पे व्यू देखिए, अभी 5 बज रहे हैं शाम के, और कितना अच्छा व्यू है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर निकल जाएंगे। यहाँ पे सोनू है और यहाँ पापा हैं। अभी हम लोग नॉन स्टॉप पाने कहाँ जा सकान हो रहा दूर खड़ी कर रहे हैं। हाँ, इससे ना क्योंकि रुकने से पैर और जाम हो जाता है। इस व्यू देखो आप, कितना सुंदर है कटरा, सॉरी अर्धकुमारी का। सारे 11 बज रहे हैं, और हम लोग लगभग 9 बजे के टाइम में नीचे उतर आए, और उसके बाद रूम वगैरह बुक किए हैं। मेरा फ़ोन तो ऑफ हो गया था, इसलिए जब रूम बुक किए तो फ़ोन चार्ज लगा के गए, उसके बाद फ़ोन चार्ज लगा दिया, फिर खाना वाना हम लोग खाने गए। उसके बाद अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं सोम कल पटनी टॉप के लिए जाना है। इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच for watching. To be continued.